उन्हें कहीं ना कहीं याद करते हुए भावुक भी दिखाई दिया है आज उनका पार्थिव शरीर पटना भी आ जाएगा जहां अंतिम संस्कार होता हुआ दिखाई देगा लेकिन अगर में एक अच्छी छवि जरूर है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस समय भी वो काफी ज्यादा चर्चा में आई थी तो उसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और दूसरा पॉइंट यह है कि... नमस्कार न्यूज आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन 2024 इस साल की पहचान बने हुए हैं आम चुनाव देश की 18वीं लोकसभा है जिसके चार चरणों की वोटिंग बीते सोमवार को पूरी हुई ऐसे में अगर बिहार का रुख किया जाए तो चार चरणों के बाद बिहार की चालीस लोकसभा सीटों में से उन्नीस पर मतदान पूरा हो चुका है उन्नीस सीटों पर मतदान होने के बाद अब पांचवें चरण का मतदान बीस मई को होगा

2014 में यहाँ राबड़ी देवी को हराने के बाद 2019 में भी उन्होंने यहीं से जीत दर्ज की और अब फिर 2024 में यहीं से एक बार फिर प्रत्याशी बनकर उतरे हैं सारण सीट की अगर बात की जाए यहां पर तो लालू प्रसाद यादव का या कहें कि यादव परिवार का एक वक्त तक ये गढ़ रहा है लालू यादव खुद यहां से चार बार सांसद रहे हैं और इन्हीं राजीव प्रताप रूढ़ी को लालू यादव ने इसी सीट से दो बार हराया है लेकिन उसके बाद भी राजीव प्रताप रूढ़ी खुद भी चार बार सारण से ही सांसद रहे हैं ऐसे में सवाल ये भी रहेगा क्या वो पांचवी बार यहां से सांसद बन पाएंगे क्या अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे क्या रोहिणी आचार्य यहां पर वापसी यादव परिवार की राजद की सीट पर करा पाएंगे ऐसे तमाम सवाल है और उन तमाम सवालों को न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे सबसे तो पहले सिराज हमारे साथ है सिराज सारण लोकसभा सीट बिहार की उन चुनिंदा सीटों में से एक है जो कहीं ना कहीं हॉट सीट लगातार बनी हुई है सारण की की बात जाए तो रोहिणी आचार्य को इस बार बेटी यानी बेटी को मौका लालू यादव ने दिया जबकि उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी दो में चुनाव यहां से लड़ चुकी है लेकिन राजीव प्रताप रूडी के सामने हार मिली थी दो में राजीव प्रताप रूडी फिर जीती क्या अब की बार राजीव प्रताप रूडी हैट्रिक लगाते दिख रहे हैं या रोहिणी आचार्य पलटवार करके उनकी इस विनिंग हिस्ट्री को रोक देगी जी देखिए अगर 2019 या 2014 के चुनाव की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 2000 अभी जो चुनाव है 24 का इससे काफ़ी अलग है क्योंकि जिस तरीके से अभी देखें तो एन और इंडिया गठबंधन के बीच जो है वो सीधा मुकाबला है और 2019 की बात करें तो तमाम जो दल थे वो कहीं ना कहीं अलग, अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे उसका प्रभाव जो है मुझे लगता है देखने को यहाँ पर मिल सकता है और निश्चित रूप से जो रूढ़ी है उनका वहाँ पर कब्जा जरूर है लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि रोहिणी आचार्य जिस तरीके से और जिस ढंग से वो कहीं ना कहीं अपने

सीट पर उतरी है जो कभी उनके पिता लालू यादव का गढ़ रही लेकिन हार का सामना करना पड़ा है ऐसे में सवाल हमारी सहयोगी रोहिणी आचार्य और नीतीश कुमार को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बेटी समान लेकर के मानते कहीं उनकी ऐसी बातें निकलकर सामने आई है लेकिन एक चीज अब जिस तरीके से बीते सोमवार को देखने को मिला बीजेपी के दिग्गज

पर नीतीश कुमार अब रोहिणी के लिए चुनाव प्रचार में जुट सकते हैं देखिए यहाँ पर अगर हम सुशील कुमार मोदी की बात करें जिनका कैंसर की वजह से निधन हो जाता है देर रात तेरह मई को लेकिन देखा जाए तो सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं नीतीश कुमार के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर सुशील कुमार मोदी रह चुके हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में महासचिव पद के रूप में सुशील कुमार मोदी ने कई पद संभाले हैं लेकिन हम हाल की बात करें तो राज्यसभा चुनाव के दौरान उनका नाम भी कहीं ना कहीं नहीं आगे किया जा रहा था। लेकिन सुशील कुमार मोदी को लेकर भी ये चर्चाएं थी जैसे शहनवाज करें कि हम राज्यसभा के लिए उनका नाम आगे नहीं करेंगे क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं तो ऐसे ही सुशील कुमार मोदी का भी नाम चर्चाओं में था कि लोकसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं लेकिन राज्यसभा भी नहीं भेजे गए खुद ट्वीट के माध्यम से सुशील कुमार मोदी ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो कहीं ना कहीं उन्हें ये मालूम हो चुका था कि जितना उन्होंने राजनीति में संघर्ष किया जिस पायदान पर आए एक बिजनेसमैन के रूप में देखे जाते थे लेकिन राजनीति में कदम रखा तो सुशील कुमार मोदी का वर्चस्व बिहार में तो बखूबी देखा जाता है और आज पूरा देश उन्हें कहीं ना कहीं याद करते हुए भावुक भी दिखाई दिया है आज उनका पार्थिव शरीर पटना भी आ जाएगा जहां अंतिम संस्कार होता हुआ दिखाई देगा लेकिन अगर हम बात करें नीतीश कुमार की और और बात बात हम अगले चरण चरण की 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 करें तो सारण सारण में चुनाव होगा और से लालू प्रसाद यादव की बेटी रूड़ी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही है वो सीट जिस पर रावड़ी देवी ने चुनाव जीता नहीं लेकिन पिता ने चुनाव जीता है इस बार पिता कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बेटी के बलबूते पर सारण को वो एक बार फिर से जीत जाए क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ लगातार सारण की जनता जो विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है जो राजीव प्रताप रूढ़ी को कहती हैं कि पांच साल बाद जब आप आए हैं आप देखिए कि क्या समस्याएं हैं 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 सारण में लेकिन राजीव प्रताप रूड़ी ये कहते हुए नजर आते हैं। हमने सड़कों का निर्माण करवाया है बनवाई आप आराम से रह रहे हैं किसकी देन है तमाम बातें राजीव प्रताप रूढ़ी करते हैं लेकिन जनता उसे सिरे से इनकार कर देती है तो आप सोच सकते हैं कि जब सारण में जनता ही नाराज राजीव प्रताप रूढ़ी से है तो असर कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य का देखने को जरूर मिलेगा एक और सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार का दोस्त कहा जाता था नीतीश कुमार का एक दोस्त बीजेपी में नाम आता था सुशील कुमार मोदी का और बीते एक दशक में नीतीश कुमार जब जब बीजेपी से अलग हुए हैं उन दोनों तीनों मरतबा सुशील कुमार को बिहार से हटाकर दिल्ली बीजेपी ने भेजा अब वो लगभग हमेशा के लिए जा चुके हैं नीतीश कुमार से दूर क्या नीतीश कुमार को यह कमी खलेगी सुशील मोदी की क्या उसके लिए वो लालू यादव का फिर से रुख कर सकते देखिए बिल्कुल ये तो पहले भी कहा गया था जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा था और ये कहा जाता रहा कि वो हर बार चुनाव के मद्देनजर ऐसे कदम उठाते रहते हैं कभी इस पाले में जाते हैं तो कभी दूसरी पार्टी का दामन थामते हुए नज़र आते सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अब देखिए सुशील कुमार मोदी का जो रिश्ता नीतीश कुमार के साथ देखा गया वो रिश्ता लालू प्रसाद यादव के साथ भी देखने को मिला है तेज प्रताप यादव की बात करें वो तो सुशील कुमार मोदी के घर पर भी चले जाते हैं मुलाकात करते हुए नजर आते हैं वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव से गहरी दोस्ती थी एक कद्दावर नेता बताऊं में गिने जाते हैं तो आज ना सिर्फ नीतीश कुमार को फर्क पड़ेगा बल्कि लालू प्रसाद यादव को भी फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है भावुक होते हुए भी दिखाई दिए लालू प्रसाद यादव और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बात करें तो वो एक बार फिर से पाला पलटते हुए जरूर नजर आएंगे hmm. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ शर्तें नीतीश कुमार ने भी रखी थी वो शर्तें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से नीतीश कुमार के विधायक उनका साथ छोड़ते हुए जा जा रहे रहे हैं हैं मंत्री साथ छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी का या का दामन थाम रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अब नीतीश कुमार की भी बारी है दो हजार पच्चीस में विधानसभा बिल्कुल दो पर 2025 में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है और उसे लेकर के लगातार कहा जा रहा है यहाँ पर प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कई मरतबज बात का जिक्र कर चुके हैं कि नीतीश कुमार आम चुनावों से पहले तो

ले पाएगी क्या पिता की साख को बचा पाएगी और क्या यहां पर पहली बार सारण से जीतकर सदन रोहिणी आचार्य पहुंच पाएगी क्या कुछ इस पर आपकी राय है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर करके जरूर बताएं फिलहाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते न्यूज़